नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। सच जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंच गए हैं। क्या है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की, बाबा राम रहीम जी की। आम लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम बलवीर सिंह है। प्रोफेशन क्या सर? मैं सूबेदार फौज से रिटायर हूँ। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे आप बाबा राम रहीम जी के बारे में? बाबा राम रहीम जी के बारे आप कितना जोर लगाया दुनिया ने, कितने दुनिया ने झूठ बोल दिया है, पर जो एक सच का साथ देने वाले उनके अनुयायी हैं, वो दिन रात सच पे चलते हैं। यही सिखाया है मालिक ने, हमारे गुरु ने यही सिखाया है कि सच पे चलो, सच पे रहो, दुनिया की ना सुनो, और वो इस मार्ग पे चल रहे हैं। आपने देख लिया कि आज भी इतनी संगत यहाँ पे आई है, एक बुलावे छोटे से टाइम में इसको सच बोलते हैं। सच तो गुरु जी सिखा के गए हैं, कितना भी झूठ बोले, बहनों को बदनाम किया है, भाइयों को मारा है, फिर भी वो सच पे, अगर वो नाम चर्चा बंद करते हैं, जो धार्मिक स्थल हमारे बंद करते हैं, दिल में तो राम बसाया है ना रब ने, हम दिन रात रब का नाम जपेंगे, घर में बैठ के रो रो के संगत ने नाम जपा, और सच है, ये सच है। और कोई भी नेता अगर बोल दे कि सच, मैं मान जाऊंगा कि ये सच्ची सरकार है या देश में कोई, ये नहीं, दूसरी सरकारें भी ऐसी हैं, सच तो बोल ही नहीं सकती। अभी पोलोथीन का बताया है, पोलोथीन को दुनिया को समझाया है, इतने पैसे लगाए हैं कि पोलोथीन बंद करो, क्यों नहीं गवर्नमेंट सीधा पोलोथीन फैक्ट्रियों को बंद कर दे, पोलोथीन आएगा देश का, कचरा खत्म हो जाएगा। मतलब सच पे चले तो अपने आप ही करप्शन खत्म हो जाएगा, अपने आप गंदगी खत्म हो जाएगी। चाहते नहीं, दुनिया को समझाते हैं कि पोलोथीन बंद करो, देश को, हमारे देश को दूसरे देश डर्टी इंडिया बोलते हैं, हमारे गुरु जी ने बताया है, और फिर उन्हीं कंपनियों को आप टेंडर देते हो, सच पोलोथीन बंद कर दो, सफाई खत्म हो जाए। क्या वजह है, जैसा कि आपने हमें बताया कि डेरा में इतने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या वजह है जो डेरा को, बाबा राम रहीम जी को इतना नेगेटिव दिखाया गया? देखो, ये तो वही है, सच वाली बात आ गई, सच बोलने का किसी में दम नहीं है। जो नशे माफी है, ये पहले बता गए थे महाराज जी, कभी किसी से एकांत में बात नहीं करते थे, करोड़ों की संगत होती थी, वहाँ पे मीडिया को बुलाते थे, आओ हम सभी सारे ही संगत की, अपनी बोली भाली संगत के सामने बीच में बात करेंगे, पीछे से तो आप हमारे को तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे, पीछे से नशा माफियों के पास बिक जाएंगे। क्यों? जिनको करोड़ों रुपया बिना पैसे बैठे बैठे मिल रहा है, तो वो तो ये लक्षण लगाएंगे कि एक, अगर एक टाइम में गुरुजी महाराज हमारे हजूर पिताजी लाखों संगत को नशे से बंद कर रहे हैं, तो आप लाखों बोतलों का, जो शराब की बोतलों का कैलकुलेशन कर लो, कितना नशे माफियों को करोड़ों की उसमें घाटा होता है, कितने तंबाकू वालों को, इसमें बुरा भी क्या है? एक तरफ तो सरकार बोलती है नशे बंद करो, एक बोलते हैं तंबाकू बंद करो, एक बार जो संत मना करता है उसी को फंसा देते हैं। एक मात्र भी सच्चाई नहीं है इस चीज़ में जो गुरु महाराज को फंसाया है। और रही कोर्ट की बात, कोर्ट का तो सभी सम्मान करते हैं, अभी एक दो दिन पहले मैं अखबार में या मैगजीन में पढ़ रहा था, दूसरे कोर्ट कितनी इज्जत करते हैं, उसमें लिखा था ये इटली में रोम का कोई था जज साहब, बड़े दूसरे देशों की सुनने में बड़ा मज़ा आता है, उस जज ने, जो वहाँ के टीचर ने, किसी ने चलान नहीं भरा था, उस टीचर ने चलान नहीं भरा था, तो उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, तो जज ने सबसे पहले पूछा भी ये कौन है, कहा जी टीचर है, एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर दिया, ओ ए टीचर इन द कोर्ट, ए टीचर इन द कोर्ट, वहीं सारा ख़त्म कर दिया। और ये देखो, सच्चे संत हैं, एक टाइम में कितना टीचिंग करवा रहे हैं, कितनी शिक्षा दे रहे हैं, बुरे काम मत करो, शराब मत पियो, वैश्यों को मुख्यधारा में लेके आए हैं, जो गरीब हैं, अनाथ बच्चे हैं, फौज के लिए, पहले मैं फौज में था, ब्लड देने से हम फौजी कतराते थे, और आज डेरा सच्चा सौदा का एक एक 60 साल या 65 साल का एक जो मुरीद है, वो दौड़ दौड़ के, जिसके शरीर में खून भी नहीं है, डॉक्टर मना करते थे, वो भी ब्लड देता है कि हमारी सेना फौज पे लड़ती है, वो ब्लड से ना कोई मरे, ये है सच। इतना समाज के लिए बाबा राम रहीम जी कार्य कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, क्या इस वक्त समाज को ऐसे संत की जरूरत है? क्यों नहीं है? अभी तो आज की डेट में
जो ये जो जैसे महाराज जी गए हैं और अपने सेवादार अपने जो गुरु महाराज सिखा के गए हैं वो भी मान लगे जो डेरे में नहीं आते कि यार देखो बिना स्वार्थ से ये ब्लड देते हैं, बिना स्वार्थ से ये गरीबों को मकान बना के देते हैं, बीमार का इलाज करवाते हैं और क्या क्या नहीं करवाते। 134 कार्य हैं जो याद में नहीं आते, एक लिस्ट में नहीं बता सकते। तो वो तो जो सत्संगी नहीं है वो भी मानने लग गए अभी तो कि हाँ वो सच है जो एक बार चला जाता है। बाकी जो परमार्थी जो बोलते हैं जो अनामी सेवा होती है, जो सुख मिलता है दुनिया को, वो अलग चीज़ है। पर ये जो देख के झूठे लक्षण लगाते हैं ये इसी में सच्चाई है। हमारे ब्लड कितने दान करते हैं। और एक छोटी छोटी चीज़ आप मॉनिटर करो, पिछले सत्संग सुनो, हजूर पिताजी जो महाराज जी को ये पता नहीं बलात्कारी क्या कहें, इनकी जीभ गड़ जानी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो इंसान आज एक लड़की मीडिया पर बैठ के आंखें ऊपर को करके बोलती है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसे हैं, जब एक लड़की का बाप मरता या लड़की मरने को होती है कैंसर या ब्लड करके, तब हजूर पिताजी बिना देखे बोल देते हैं इस बेचारे गरीब को या इस लाचार को खून दो। और आज उनको ये नहीं पता भी हम बिना देखे बिक रहे हैं या क्या, हमारे को पता नहीं है। पर इतना तर्क कम से कम लेडीज़ तो ना बोले, लेडीज़ लेडीज़ के लिए तो ना बोले कि ये ऐसी हैं। अभी ये देखो कि एक बेटी अपने बाप के पास बैठ के टीवी नहीं देख सकती आज की डेट में। और परंतु ये भी सच्चाई है कोई हमारी जो दरबार की लेडीज़ हैं जो अनुयायी हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं, क्यों उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। बिल्कुल सच्चाई देखी है वो, अभी भी आपने नाम चर्चा में देखा, जी जान से सेवा में जुटी या किसी की कान की तरफ कान लगा के नहीं वो सुनती बाहर के आदमी के लिए, और अपनी सेवा में लगी हुई है। सरकार से ये अपील करेंगे क्यों इस देश को आप बोल बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई कितना पैसा आप सफाई पे खर्च रहे हो, कितनी दुनिया को विज्ञापन दे दे के सिखाते हो। एक संत जो आधे घंटे में करोड़ों संगत को एक अभियान के बारे सिखा जाता है, सफाई अभियान के बारे सिखा जाता है, आप क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हो, क्यों इतना देश का सत्यानाश कर रहे हो। कम से कम उनको परोल का तो मतलब नहीं, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, गुनागार है ही नहीं वो मालिक, उनको आज़ाद करो। संगत रो रो के परेशान है अपने महाराज जी के लिए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रियल फैक्ट है, सच्चाई है जो आम लोग डेरा सच्चा सौदा बाबा राम रहीम जी के बारे में बता रहे हैं।